प्रेग्नेंट होने के लिए स्पर्म है जो महिला के प्राइवेट पार्ट में छोड़े जाते हैं, ये स्पर्म है। ये 2 ml से 5 ml होते हैं और जिनकी देखो आप देख रहे हैं गोल गोल दिखाई दे रहे हैं, सिर हैं। ये सिर है, ये सिर है जो आगे जा रहा है। इसकी पूंछ होती है, एक टैल बोलते हैं उसको, जो इसमें गतिशील होती है, वो इसमें एनर्जी होती है। और आप ये देख रहे हैं, ये जो साफ साफ सा दिख रहा है, ये बच्चेदानी का मुख है। इस बच्चेदानी के मुख से एंटर करते हैं, जब अंडा रिलीज होता है, फर्टाइल पीरियड होता है महिला का, उन दिनों इस मुख में भी थोड़ा सा रास्ता बन जाता है। और इस रास्ते के सारे सारे ये कहाँ पहुँचते हैं, अंदर पहुँचते हैं, ये गर्भाशय यानी यूट्रस के अंदर पहुँचते हैं। और यूट्रस के अंदर आप देखेंगे कि 2 नली भी आपको अच्छे से ट्यूब दिखाई देंगी। मैं आपको अच्छे से इसको दिखा देता हूँ, आप देख रहे हैं बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ आपको इस दिखाई दे रहा होगा। और मैं आपको बता दूँ कि देखो ये गर्भाशय की दीवार से स्पर्म चिपकते हुए आगे जा रहे हैं। ये 20 से 40 मिलियन के लगभग होते हैं और आप गर्भाशय के टॉप पे 2 बच्चेदानी में ट्यूब सी दिखाई दे रहे होंगे, रास्ते दिखाई दे रहे होंगे। इसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब, है ना। प्रेगनेंसी इसके अंदर होती है, यानी स्टार्टिंग जो होता है, बच्चा बनता है, स्टार्टिंग होती है इस ट्यूब के अंदर होता है, क्योंकि इस ट्यूब के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, यानी पुरुष का स्पर्म और महिला का एग मिलता है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो ये स्पर्म है जो दोनों में गति करते हुए आगे पहुंचते हैं, ऐसा नहीं है कि एक में ही जाएंगे, दोनों में जाएंगे। पर एग जो अंडा है वो किसी एक में मिलेगा आपको, हो सकता है इसमें आ जाए, हो सकता है इस बार इसमें आएगा, एक महीने इसमें आएगा तो एक अगले महीने इसमें आएगा। जिनके एक ट्यूब है वो भी प्रेगनेंसी हो सकती है, इस चीज़ का आप टेंशन ना लें। अब आगे बात करते हैं कि हम इसको और ट्यूब के अंदर चलते हैं, तो आप देख रहे हैं ये दीवार के सारे सारे स्पर्म आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और एक ट्यूब के अंदर हम आपको ले चलते हैं। तो ये दीवार में भी गति होती है, इनमें लहर होती है, इससे स्पर्म को आगे बढ़ने में रास्ता मिलता है। तो अब हम इस ट्यूब के अंदर चलते हैं, इस ट्यूब के अंदर आप देखेंगे स्पर्म आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और इस ट्यूब के अंदर छोटे छोटे सीलिया होते हैं, जैसे हमारी घास होती है ना, जो उसकी तरह से सीलिया होते हैं और ये सीलिया भी मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये ट्यूब के अंदर जा रहे हैं, ये ट्यूब 10 सेंटीमीटर लंबी होती है और इस ट्यूब के अंदर छोटे छोटे सीलिया होते हैं जो अंडे को भी वो गति प्रदान करती है और साथ में स्पर्म को भी आगे बढ़ने में हेल्प करती है। तो इस तरह से आप काफ़ी स्पर्म डैमेज होते जाते हैं, जो स्पर्म शक्तिशाली होंगे वो आगे पहुँच जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि 1-2 स्पर्म पहुँचेंगे, बहुत सारे मिलियन स्पर्म आगे तक पहुँचते हैं। और आप देखेंगे हमें एग अंडा दिखाई देने लग गया है, तो आप देखेंगे ये एग है, ये अंडा है, इस एग तक स्पर्म पहुंचेंगे, इस एग तक स्पर्म आप पहुंच ही रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि एक पहुंचेगा, बहुत सारे पहुंचेंगे, पर इस एग के अंदर कोई एक स्पर्म ही अंदर जाएगा, वो भी कैसे जाएगा मैं आपको बताऊँगा। तो आप देख रहे हैं ये स्पर्म इसके चारों तरफ चिपक जाते हैं जाके, और इनकी जो सिर होता है, जो एक आप देख रहे होंगे गांठ सी सिर होता है, हेड होता है स्पर्म का, उसमें से केमिकल रिलीज होता है, यानी एक एंजाइम रिलीज होता है जो इसकी परत को गलाता है, इसी वजह से ही अंदर जा पाते हैं। तो जो सबसे पहले परत को गला देगा और जो केमिकल अच्छे से रिलीज करेगा, जो शक्तिशाली स्पर्म होगा, तो आप देखेंगे कि ये एक केमिकल रिलीज करेगा। आप अच्छे से देख रहे हैं कि ये स्पर्म है और ये केमिकल रिलीज किया, इस केमिकल में अंदर घुसने की शक्ति होती है, उससे आप ये स्पर्म अंदर चला जाएगा। इसके जो अंडा होता है इसके कई लेयर होती हैं और ये देखो बंद हो गया है। अब इसके बाद में कोई भी स्पर्म, अब चाहे कितना ही केमिकल रिलीज करे, एंजाइम रिलीज करे, अब वो अंदर नहीं जा पाएगा। तो यानी आपके स्पर्म भी अच्छे शक्तिशाली होने चाहिए, उसके बाद कोई अंदर नहीं जा पाएगा। और इसमें भी जो इसका सिर होता है ना, इसी पार्ट में जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमोसोम होता है, जीन होते हैं। तो पुरुष के 23 क्रोमोसोम होते हैं, वो क्रोमोसोम यहाँ रिलीज करता है, बाकी का ये कवर होता है, ये टैल होती है, वो सारा बाहर निकल जाता है। तो ये है क्रोमोसोम पुरुष के और इधर से महिला के आते हैं। अब ये क्या होता है कि डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, यानी अब यहाँ से बच्चा बनना स्टार्ट हो गया, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। और ये सीलिया जो मैंने बताया था घास की तरह होते हैं, अंडे को गति कराते हैं, और इसको गति कराते कराते ये बच्चेदानी में पहुँचाने में इसको 5 से 6 दिन लग जाते हैं। तो यानी जब अंडा निकलता है उसके 5-6 दिन तक हमारे बच्चेदानी के अंदर ये जो भ्रूण बना है, जिसको जायगोट बोलते हैं साइंस में, ये बच्चेदानी में पहुंचता है फेलोपियन ट्यूब से, जो ट्यूब थी उससे निकल के यहाँ पहुंचता है, ये किसके अंदर पहुंचता है, यूट्रस के अंदर पहुंचता है, बच्चेदानी में पहुंचता है। और यहाँ से ये भी एक एंजाइम रिलीज करता है, ये एंजाइम होता है जो इसकी दीवार को गलाता है और इस दीवार में अंदर धस जाता है, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। जिस दिन इस दीवार में धसता है उस दिन थोड़ा सा हमें ब्लीडिंग हो सकती है, इसलिए उसको बोलते हैं
कि स्पॉटिंग जो ब्लीडिंग हुई है वो इम्प्लांटेशन हुआ है, इसका मतलब प्रेगनेंसी हुई है। किसी किसी महिला को इसका पता नहीं चलता, किसी किसी में ज़्यादा होती है तो स्पॉटिंग बाहर आ जाती है, किसी के अंदर ही रह जाती है, पता नहीं चलता, तो ये भी कोई श्योरिटी नहीं है। अब ये देखेंगे कि आपको एक फीटल पोल बनता है, कभी कभी अल्ट्रासाउंड आपने करवाया होगा तो एक फीटल पोल दिखाता है कि फीटल पोल बना है, और फीटल पोल से स्टार्ट होते हैं, सबसे पहले रीढ़ की हड्डी बनना स्टार्ट होती है। ये रीढ़ की हड्डी बन रही है, ये रीढ़ की हड्डी होती है, ये जुड़ जाती है। अगर आप फोलिक एसिड टैबलेट नहीं लेते तो कई बार ये रीढ़ की हड्डी जुड़ती नहीं है, इसलिए। और जो फोलिक एसिड होती है उसमें जेनेटिक मटेरियल भी होता है, डीएनए और आरएनए को बनाने की क्षमता होती है। तो ऐसे हमारी जो ट्यूब बनती है, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है। तो शुरुआत में ये देखेंगे आप, रीढ़ की छोटे छोटे छल्ले से आपको दिखाई दे रहे होंगे, और ये सिर बनने की प्रोसेस होती है। और आप देख रहे हैं कि जैसे ही 4 वीक, ठीक है, यानी 4 सप्ताह, 1 महीने का प्रेगनेंसी होते ही आपको 1.5 महीने हो जाएं, अगर कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आई, 1.5 महीने हो गए, तो हो सकता है आपको प्रेगनेंसी और उसमें बच्चे की धड़कन आ जाती है। कई बार ये धड़कन 4 सप्ताह पे हमें पता सुनाई नहीं देती, डॉक्टर को भी अल्ट्रासाउंड में जल्दी से फील नहीं होता, तो ये 6 वीक यानी 1.5 महीने 2 महीने पे ये अच्छे से आती है। अगर 1.5-2 महीने तक फीटल हार्ट नहीं आती तो फिर हो सकता है कि मिस्ड अबॉर्शन हो। मिस्ड अबॉर्शन क्या होता है उसका डिटेल से वीडियो और मैं बना दूंगा, पहले भी मैंने बना रखा है, पर उसका आप देख रहे हैं ये दिल है, अंदर दिल की स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरह से दिल धड़कता रहता है बच्चे का, यानी बच्चे का 1 महीने बाद ही दिल की धड़कन स्टार्ट हो जाती है। आप देखेंगे बहुत डिटेल से मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये दिल की धड़कन अच्छे से आपको फील हो रहा होगा, ये हार्ट है यानी दिल है, और ये अच्छे से बच्चे का धड़कना स्टार्ट होता है, यानी ब्लड सप्लाई बच्चे की स्टार्ट हो गई है। हाँ, वो ब्लड से न्यूट्रिशन माँ से लेता है, पर बच्चा खुद अपनी ब्लड सप्लाई करता है बच्चे के शरीर के अंदर, उसके हाथ पैर से जो भी बनेंगे उनमें सब में ब्लड सप्लाई बच्चा खुद करता है, बस माँ के पेट में बच्चा सांस नहीं लेता, बाकी सारे काम करता है। तो आप देख रहे हैं ये दिल धड़क रहा है, ऐसा एक फीटस बनता है जो 4 वीक का होता है, फिर धीरे धीरे 6 वीक का, फिर 8 वीक का हम देखेंगे, तो एक एक स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा। तो अच्छे से आप देख रहे हैं कि ऐसे बच्चे का सबसे पहले दिल धड़कना और सिर बनता है, और यहाँ आँखें बनना स्टार्ट हो जाती हैं, ये धीरे धीरे आँखें बनेंगी, यानी एक एक अंग बनना स्टार्ट हो जाएगा। लगभग ये सारे अंग हैं, जैसे आँख है, नाक है, मुँह है, हाथ पैर है, इनको बनने में 3 महीने लग जाते हैं, यानी 12 वीक लग जाते हैं, इसलिए 12 वीक पे हम सबसे ज़्यादा अल्ट्रासाउंड करते हैं 3 महीने में, क्यों, हम सब चीज़ देख सकें, है ना। पर उससे पहले भी अगर कोई दिक्कत रहती है, कोई भी प्रॉब्लम रहती है, कुछ हमें और जल्दी कुछ जानना होता है, तो इसलिए हम कभी 8 वीक पे, 6 वीक पे भी कभी, तो एक एक स्टेप मैं आपको बताता जा रहा हूँ, और इतना खूबसूरत बेबी आपके सामने है, और देखेंगे आप एक एक चीज़ आपको अब दिखाई रही, जो ये है अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये जो घूम रही है जो साथ में, अम्बिलिकल कॉर्ड से ही न्यूट्रिशन मिलता है, और अच्छे से मैं बताऊंगा। कई बार आप पहली बार अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 आर्टरी और 2 वेन, यानी 2 खून ले जाने वाली और 2 खून लाने वाली नलियाँ मिलती हैं, अल्ट्रासाउंड में लिखा रहता है 2 आर्टरीज 2 वेन। और जब सेकेंड टाइम आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जब 4 महीने 5 महीने 6 महीने पे, तब आता है कि 2 आर्टरी और 1 वेन, तो वो एक प्रॉब्लम नहीं है, वो नॉर्मली है, धीरे धीरे एक जो वेन की है उसकी आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वो नहीं रहती। ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, न्यूट्रिशन इसी अम्बिलिकल कॉर्ड से मिलता है। कई बार ये अम्बिलिकल कॉर्ड ज़्यादा लंबी होती है तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और छोटी रह जाती है तब भी उसकी भी प्रॉब्लम होती है बेबी को। बहुत ज़्यादा लंबी होती है तो वो गले में अटक जाती है, यानी गले पे गांठ लगा लेती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है और बच्चा घूमता रहता है तो गले में कई बार गांठ लग सकती है। आप देखेंगे ये हम बच्चे के सिर के अंदर पहुंच चुके हैं, और ये सिर के अंदर क्या होते हैं, न्यूरॉन होते हैं, ये न्यूरॉन होते हैं, यही हमारा ब्रेन को डेवलपमेंट करते हैं। इनमें न्यूरॉन में भी एक इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक करंट प्रवाह होता है, जैसे मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, आप कोई भी काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये हमारे माइंड के अंदर न्यूरॉन होते हैं, इनमें केमिकल इलेक्ट्रिसिटी होती है जो संकेत देती है हमारे हर अंग को काम करने के लिए। तो ये न्यूरॉन होते हैं, इस न्यूरॉन में ही अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मिर्गी के दौरे आना, मंदबुद्धि होना, दिमाग का विकास कम होना, यानी आपका ब्रेन का डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। कई बार बच्चा जन्मते ही कुछ ब्रेन में प्रॉब्लम होती है, या कई बार थोड़ा सा होता है, और उस टाइम पे डॉक्टर कई बार ऑपरेशन की सलाह देता है और आप लोग नहीं करवाते हैं, तो आगे जाके वो जो बच्चा शुरुआत में पता नहीं चलता उसका ब्रेन कितना डेवलपमेंट होगा, पर आगे जाके पता चलता है कि इसका तो ब्रेन ही डेवलपमेंट नहीं हुआ, पूरा ब्रेन डैमेज हो चुका है।
आप ये देखेंगे जब ये आपको बच्चा दिखाई देगा 7-8 महीने का होगा, तो बिल्कुल अच्छे से एक एक अंग आपको आराम से आप दे सकते हैं। और जैसे ही आप कहते हैं कि पहली बार किक कब मारता है, तो किसी महिला को ये 5 महीने में किक महसूस होता है, किसी को 6 महीने में महसूस होता है। जो पहली बार माँ बनती है लगभग वो उसका पेट टाइट होता है, इसलिए वो 6 महीने महसूस होता है। और जो दूसरी तीसरी बार बनती है तो उसको 5 महीने 4.5 महीने पर भी किक फील होती हैं। बच्चा किक नहीं मारता, बच्चा सिर्फ उस माँ के पेट में घूमता है। और माँ के पेट में बच्चे को घूमने के लिए, यहाँ आप देख रहे हैं बच्चे का दिल अच्छे से धड़कता हुआ देख रहे हैं, पर माँ के पेट में बच्चे को घूमने के लिए 1000 ml जो पानी होना चाहिए बच्चेदानी के अंदर, इससे अच्छे से घूम सकता है। धीरे धीरे प्रेगनेंसी बढ़ती है तो ये पानी भी बढ़ता है। अगर ये 2000 ml हो, इस तो ज़्यादा होता है तो हमें कई बार निकालना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा होगा तो बच्चे को आराम ही नहीं मिलेगा, उस पानी में हमेशा तैरता ही रहेगा। जैसे आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा पानी है तो हम डूब सकते हैं या बह सकते हैं नदी में, तो इस वजह से ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए और ये पानी कम भी नहीं होना चाहिए। अब ये ज़्यादा 500 ml हो तो भी काम चला ले, पर 200 ml ही हो तो कई बार हमें पानी ढालना पड़ता है माँ के पेट से, आगे से इंजेक्शन के माध्यम से ढालना पड़ता है कि इस बच्चे को। माँ के पेट में बच्चा है कई बार अंगूठा भी चूसता है, वो एक तरह से जो माँ के पेट में जो पानी होता है वही पीता है और पेशाब के माध्यम से वही निकालता है, वो स्ट्राइल होता है। ये पानी इसको बच्चे को बचाने में भी हेल्प करता है, इसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूड। ये फ्लूड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए, इससे ही न्यूट्रिशन भी मिलता है। इससे बच्चा क्या होता है, बाहर से कोई चोट लगती है तो इस पानी के माध्यम से लगती भी नहीं है। ये जेनेटिक मटेरियल होता है, ये जेनेटिक मटेरियल में एक पुरुष होता है, पुरुष का क्या होता है XY हो सकता है जेनेटिक मटेरियल पुरुष से, या XX आ सकता है, है ना। XX आएगा तो लड़की होगा और XY आएगा तो लड़का होगा। महिला है, महिला से क्या आता है कि जो XX ही आता है ये फिक्स है, तो महिला कभी भी जिम्मेदार नहीं होती, लड़का होगा या लड़की होगी, जो भी जिम्मेदार होता है वो पिता होता है। और पिता का कौन सा स्प्रम आए जिसमें XY आए, तो वो इसमें ये DNA होता है, इसी में जीन होती हैं। ये DNA बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी पूरी, है ना, आप बोलते हैं DNA टेस्ट, इसी से पता चलता है। सबका DNA एक अलग तरीके का होता है, बट उसमें एक स्ट्रक्चर सेम होती है, क्योंकि सबके जो क्रोमोसोम होते हैं माता पिता से, सब एक यूनिक पर्सनालिटी लेके आते हैं। इस चीज़ को क्रोमोसोम 1 से 2 बनते हैं, ऐसे हमारी एक सेल से काफ़ी सेल डेवलपमेंट होती हैं और बेबी की ग्रोथ होती है। ऐसे फ्यूज होके ये एक क्रोमोसोम बना लेते हैं, इसको हम एक बोलते हैं क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम ही डिपेंड होता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। अब इसमें जो पिता है उसमें क्रोमोसोम अगर एक्स का आया, दोनों एक्स के आए तो लड़की होगी, और एक्स वाई का आया तो लड़का होगा। ऐसे एक सेल से 2 सेल बनती रहती हैं और आप देखेंगे कि ऐसे एक फीटस का डेवलपमेंट होता है। मैं हूं मिस्टर श्याम, एम्स हॉस्पिटल में। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।